अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक और सवाल है। ये सवाल इसमें जो है ना, ये एक्शन दिया गया है और एक्शन दिया गया है, इसको ग्राफ में शिकल में जाहिर किया गया है। आपको पहले बताया था यहाँ पे ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो पे वैल्यू आएगी, ये बाकी ग्राफ शिकल में जाहिर किया गया है। एक्सन को हम वैसे रहने देंगे, एचन को हम जो है ना इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू पुट करेंगे, पुट ज़ीरो वैल्यू पुट करने से वहीं आ जाएगी जो वैल्यू है। और यहाँ को इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे -1 से 5 तक यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसके साथ ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो पे ज़ीरो है और इस पे भी 1 2 पे भी कोई वैल्यू नहीं है, तो लिहाजा आउटपुट आंसर होगा ज़ीरो। इसी तरह जब हम इसको आगे करेंगे, 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 वैल्यू पुट करने के बाद तो इसका ये आंसर आएगा। ठीक है जी, यहाँ को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर ज़ीरो ही आएगा। मज़ीद इसको करेंगे, ये आपको पता है कि ये जब हम इसको 2 करेंगे तो ये राइट शिफ्ट स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा। अब 2 क्या है, पहले यहाँ पे 0 था, अब 2 -1 वाले 0 पे आ गया, एक राइट शिफ्ट हुआ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 1 आ जाएगा जवाब, और सम भी 1 आ जाएगा। इसी तरह एच एन को जब 3 वैल्यू पुट करेंगे तो फिर एक और शिफ्ट होगा। इस शिफ्ट में जो है ना, यहाँ पे 0 पे 1 वैल्यू आ गया है, इसको साथ एच एन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्शन के साथ सॉरी, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जवाब आ जाएगा। और 1 पे 1 है, यहाँ पे 1 पे क्या है, -2, -2 है, तो 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2 -2 जवाब आ जाएगा। और इन दोनों को सम करेंगे, 1 -2 -1 जवाब आ जाएगा। इसी तरह जो है 4 जब वैल्यू पुट करेंगे तो फिर एक और शिफ्ट होगा। अब यहाँ पे 1 आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे 1 जवाब आ जाएगा। और 1 पे यहाँ पे 1 है, -2 है, यहाँ पे एक्शन पे तो 1 मल्टीप्लाई -2, ये -2 जवाब आ जाएगा। और 2 पे 1 है, यहाँ पे 2 पे 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 जवाब आ जाएगा। एंड पे सम करेंगे, सम करने से ये जवाब आ जाएगा 2। अच्छा, जब 5 वैल्यू डालेंगे, 5 वैल्यू से एक और शिफ्ट होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये जवाब आ जाएगा और आंसर सम में 2 आ जाएगा। इस तरह 6 डालेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आएगा और आंसर 1। और 7 जब डालेंगे, एक और शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट होता जाएगा, तो इसके बाद जो है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास ये, और सम होगा 3। इस तरह एंड पे सबको सम करने से ये टोटल जवाब आ जाएगा 8। थैंक यू भैया।